अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा की फिल्म मिशन रानीगंज थिएटर में रिलीज हो चुकी है। फिल्म रिलीज होने से पहले ही परिणीति को लेकर मिले जुले रिएक्शन आने लगे। परिणीति को लेकर कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिससे आपका मूड भी ऑफ हो सकता है। कहा जा रहा है या तो परिणीति चोपड़ा शादी के बाद हिट हो जाएंगी या बुरी तरह फ्लॉप होंगी। राघव चड्ढा की तरह वो भी राजनीति का रास्ता देख लें। इस मूवी में परिणीति चोपड़ा भी है। मूवी का डायरेक्शन टीनू सुरेश देसाई ने किया है। फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के बाद पब्लिक ने कैसा रिएक्शन दिया, आइए आपको बताते हैं। ये फिल्म साल 1989 में हुए एक हादसे पर बेस्ड है। कहानी IIT धनबाद के एक बहादुर और मेहनती खनन इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की है, जिन्होंने कोयले के खान में फंसे 65 मजदूरों को अपनी सूझबूझ से बाहर निकाला। इस तरह से रेस्क्यू इंडिया में पहले कभी नहीं हुआ और इस तरह से परिणीति का ये लुक काफी पसंद किया जा रहा है, लेकिन फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। जिस तरह से हाल ही में गदर 2 और OMG ने खूब कमाल दिखाया, लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिख रही है। ऐसे में परिणीति का करियर भी अब कुछ ढीला दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि इस फिल्म के बाद अब परिणीति फिल्में बंद कर देंगी और राजनीति में नजर आएंगी। आज हर तरफ परिणीति अक्षय की फिल्म मिशन रानीगंज की चर्चा हो रही है। धमाकेदार रिव्यू भी आ चुके हैं। कोई रानीगंज को लगान का नाम भी दे रहा है तो कोई बोरिंग भी बता रहा है। फिलहाल पहले दिन मिले जुले रिव्यू मिले हैं। अब ये फिल्म परिणीति के करियर का वो फैसला है जिसे परिणीति बहुत सोच विचार कर ले रही है। जी हाँ, अगर ये फिल्म हिट जाती है तो परिणीति आगे और भी फिल्में कर सकती है, और अगर रानीगंज फिल्म फ्लॉप जाती है तो परिणीति अब फिल्मों में टाइम वेस्ट न करके राजनीति में अपना हुक्म आजमाएंगे। लेकिन देखना होगा क्या राघव के संग परिणीति को राजनीति में सफलता मिलेगी या नहीं, या फिर यहाँ भी परिणीति फ्लॉप जाएंगी। फिलहाल तो परिणीति का ये फैसला दबाव भी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि परिणीति का ये फैसला उनका खुद का नहीं है, बल्कि राघव चड्ढा परिणीति को फिल्मों के बजाय राजनीति में देखना चाहते हैं। फिल्मों में अगर परिणीति काम करेंगी तो दिल्ली के बजाय वो मुंबई और इधर उधर रहेंगी, राघव से दूर होती जाएंगी। ऐसे में राघव चड्ढा अपनी पत्नी से दूर रहना नहीं चाहते और उन्हें अपने पास रखना चाहते हैं, इसलिए परिणीति को इंडस्ट्री को हमेशा अकेले छोड़ना पड़ेगा। मिशन रानीगंज रिलीज होते ही परिणीति को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। परिणीति शादी से काफी लाइमलाइट में थी और उनकी फिल्म को भी अच्छा रिस्पांस मिला। फैंस पहले ही परिणीति के इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड थे। पहले दिन रानीगंज ने अच्छा कमाल दिखाया और एक बार फिर हर तरफ परिणीति ही परिणीति छाई हुई है। लेकिन अब परिणीति को अफसोस हो रहा है कि उन्होंने शादी जल्दी कर ली है, बल्कि वो इस वक्त अगर अपनी फिल्मों में सही से वक्त देती तो शायद और कामयाबी मिलती। वही कहा तो ये भी जा रहा है कि परिणीति की आखिरी फिल्म हो सकती है, उसके बाद परिणीति राघव के लिए बॉलीवुड को हमेशा के लिए अलविदा कहने वाली है। क्या राघव ने परिणीति को फिल्में करने से मना किया है, या फिर परिणीति अपनी मर्जी से फिल्मों से बोर होकर नए काम को करने के लिए बॉलीवुड को अलविदा कहने जा रही हैं? अब राघव चड्ढा जी इस बारे में क्या विचार देंगे, वो परिणीति के बॉलीवुड करियर पर क्या सोचते हैं, जल्द पता चल जाएगा। कहा तो यही जा रहा है कि राघव भी परिणीति को राजनीति में लाना चाहते हैं। परिणीति चोपड़ा राघव चड्ढा की दुल्हनिया बन चुकी हैं। शादी के दौरान सबकी नजर एक्ट्रेस के खूबसूरत लहंगे पर थी। परिणीति का ये लहंगा 18 लाख रुपए का था। शादी में एक्ट्रेस ने कुल 4 करोड़ रुपए खर्च किए थे। परिणीति बांद्रा में एक आलीशान अपार्टमेंट की मालकिन भी हैं। उनके इस घर की कीमत 40 करोड़ रुपए बताई जाती है। परिणीति ने अपना ये घर खुद ही डेकोरेट किया है। इनके अलावा एक्ट्रेस के पास कई लग्जरी गाड़ियां भी हैं। उनके स्नीकर भी काफी महंगे होते हैं, जिसकी कीमत भारत में 80,000 रुपए है। ज्वेलरी ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए परिणीति 50 से 60 लाख रुपए फीस लेती हैं। न्यूली मैरिड कपल परिणीति राघव को अब इस वक्त एक साथ होना चाहिए और शादी के अभी कोई दिन भी नहीं बीते। दोनों एक साथ होने के बजाय किसी और के संग देखे जा रहे हैं। जी हाँ, परिणीति अपने नेताजी को छोड़कर अक्षय कुमार के संग फिल्म में फोकस दे रही हैं, तो वहीं राघव चड्ढा राजनीति के काम में वापस आ चुके हैं। इतना ही नहीं, ऐसा भी क्या बड़ा काम था कि परिणीति राघव को अपना हनीमून तक कैंसिल करना पड़ा, जबकि दूसरे लोगों को परिणीति राघव खूब टाइम दे रहे हैं। जी हाँ, शादी के बाद परिणीति को अक्षय कुमार के संग क्लोज देकर लोग तरह तरह की बातें भी बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि शादी किसी और से, हनीमून के टाइम किसी और के संग है परिणीति। क्या इसमें परिणीति राघव यानी राजनीति की कोई राजनीति है? आखिर हनीमून को कैंसिल कर दोनों अपने अपने टीम के लोगों के साथ वक्त बिता रहे हैं, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। आपको बता दें, परिणीति की फिल्म रानीगंज 6 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म के कई पोस्टर सामने आ चुके हैं जिसमें परिणीति के लुक ने सबका ध्यान खींच लिया। वाकई बहुत प्यारी लगी।
जाएगी और कहा जा रहा है कि परी की ये फिल्म हिट होने से कोई नहीं बचाएगा। पहले ये तो जनता तय करेगी कि परी की फिल्म पसंद आएगी कि नहीं। परी राघव की शादी में परिणीति ने अपनी रानीगंज फिल्म के गाने का प्रमोशन भी किया। फेरे के बाद जलसा गाना प्ले किया गया तो भाई परिणीति ने अपनी आवाज में ओपिया गाना रिकॉर्ड किया था। आखिर परिणीति राघव ने मेहमानों से गिफ्ट ना लेकर क्या साबित किया? क्या प्रियंका जैसी बड़ी स्टार्स के मुंह पर तमाचा मारा है, उन्हें बड़ा सबक सिखाया? बड़े बड़े स्टार्स के मुंह पर तमाचा मारा है। प्रियंका चोपड़ा की शादी में भी बड़े बड़े स्टार शामिल हुए थे और महंगे से महंगे गिफ्ट लेकर पहुंचे थे। नहीं, परिणीति तो ज्यादा फिल्में भी नहीं करती है, कमाई के मामले में प्रियंका से बहुत पीछे है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये दरिया दिली दिखाई। परिणीति का कहना है कि आशीर्वाद से बढ़कर उनके लिए कोई महंगा गिफ्ट नहीं है, उन्होंने हर किसी से आशीर्वाद ही लिया। परिणीति राघव की शादी में एक से एक बड़ी हस्ती दिखाई दी, लेकिन परिणीति राघव ने सभी से गिफ्ट लेने के लिए मना कर दिया था। इतना ही नहीं, शादी से पहले परिणीति राघव एक साथ महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे। उससे पहले अमृतसर गुरुद्वारे में भी पहुंचे थे, भगवान और माता पिता के आशीर्वाद लेकर ही शादी की। वहीं आपको बता दें, परिणीति संस्कारों में भी सबसे आगे निकली। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि राघव ने परिणीति के माता पिता से शगुन के तौर पर सिर्फ 11 रुपए लिए। कहा तो ये भी जा रहा है कि परिणीति ने अपने कलीजे में भगवान का नाम लिखवाया। हालांकि परिणीति शादी में बहुत फीकी दिखाई दी, लेकिन राघव के नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र ने उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। हाल ही में धर्मेंद्र ने अमेरिका से आते एक वीडियो शेयर की थी जिसमें वो अपने फार्म हाउस में बैठकर मस्ती करते दिखाई दिए। इस वीडियो में उन्होंने ये भी कहा कि मैं बुढ़ा नहीं हूँ, भले ही आंखों से अब साफ नहीं दिखता हो, कानों से ठीक सुनाई न देता हो, लेकिन मैं अभी भी जवान हूँ। धर्मेंद्र की इस वीडियो पर फैंस ने ढेर सारा प्यार लुटाया और उनके स्वास्थ्य के लिए दुआएं की, कहा कि सर आप हमेशा जवान रहेंगे। वहीं अमेरिका से लौटने के बाद एक बार भी हेमा से नहीं मिले धर्मेंद्र। इतना ही नहीं, अमेरिका से लौटने के बाद धर्मेंद्र को सर्दी जुकाम तक हो गया। उनकी हालत अभी कुछ ठीक नहीं है, कुछ दिक्कतें और भी हो रही हैं, लेकिन फिर भी हेमा मालिनी ने नजरअंदाज कर दिया और एक बार भी उनका हालचाल नहीं पूछा। हेमा ने भले ही धर्मेंद्र की चिंता ना की हो, लेकिन ईशा देओल ये खबर सुनते ही पापा के फार्म हाउस दौड़ी चली गयी। हेमा मालिनी फिर से सवालों के घेरे में घिर गयी। क्या धर्मेंद्र से लड़ाई हुई है? क्या धर्मेंद्र प्रकाश की बेटियों से मिलने चले गए इसलिए हेमा उनसे बात नहीं कर रही है, या फिर उनके पहले परिवार की वजह से उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हैं? ईशा देओल ने पिता के संग फोटो शेयर करते हुए लिखा, आप हमेशा स्वस्थ रहें, आप हमारी ताकत हैं।